बेसिकली। और डेमो क्लास के अंदर हमने बताना ये होता है कि हमने सेशन किस तरह से कवर करना है। इंट्रोडक्शन तो आपको मेरा पता ही होगा, और सर्विंग एट आई एम सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर करेंटली, और 2 ढाई साल से ज़्यादा कर्सा हो गया पढ़ाते हुए अलहमदुलिल्ला। 1000+ सक्सेस स्टोरीज हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स आते हैं और हम उन्हें एक रास्ते पर चलाते हैं और मेहनत करते हैं, वो खुद भी मेहनत करते हैं, उसके बाद वो कामयाब हो जाते हैं अलहमदुलिल्ला। तो ये सिलसिला चलता जा रहा है, और इसमें मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देता होता हूँ कि हमने 90 डेज में क्या क्या कुछ पढ़ना होता है। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं कटेल करके वो 70-80 दिन के ऊपर लेकर आऊँ, जितना हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई गेस आई एम द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान हु इज डिलीवरिंग लेक्चर्स फॉर ऑलमोस्ट 120 डेज या 100 डेज इन अ सिंगल GK सेशन, और इतनी मिनिमम फीस के साथ। कोई और नहीं पढ़ाता, और कोई और मेंटोर नहीं है अलहमदुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जिसकी नॉन सक्सेस स्टोरीज, ये नॉन है वो हैं जो स्टूडेंट्स बताते ही नहीं है, जो 1000+ हूँ इतने कम अरसे में। तो ये अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी दुआओं का नतीजा है। खैर, फॉर्मली शुरू करते हैं। हमारा जो GK का सेशन होता है उसके अंदर बेसिकली हमने 10 सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, कवर करना होता है। उन 10 के 10 सब्जेक्ट्स की अहमियत, चाहे वो आप FPSC के पेपर दे दें, चाहे आप PPSC का एग्जाम दे दें। देखें, जो ये PPSC पेपर लेती है ना, इतनी सारी सीटें आती होती हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो हर सेशन के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए या हर एग्जाम के लिए अलग अलग डिफरेंट मुख्तलिफ सब्जेक्ट से वो पेपर उठाए। उनके पास एक क्वेश्चन बैंक होता है, उसी क्वेश्चन बैंक से साल साल पेपर बनते रहते हैं। 2020 22 में 20-21 के अंदर उन्होंने वो क्वेश्चन बैंक चेंज किया था PPSC ने। ओके, उसमें बहुत सारे मसले थे, और रिपोर्टेडली बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन बैंक उधर से ही वो उठाते रहते हैं और डालते रहते हैं। क्राइटेरिया उनका ये होता है कि ये 10 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, और 10 के 10 में से ही आपका पूरे का पूरा पेपर बनता होता है। ये नहीं है कि वो किसी एक सब्जेक्ट से उठा के पोर्शन दे दें और बस। तो ये 10 के 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे पूरे का पूरा पेपर हमारा बनता होता है, और इनको मैं एक एक करके पढ़ाता रहूंगा। आपको ये पता चलता रहेगा कि हमने पढ़ना क्या है। लोग डायरेक्शन लेस होते हैं GK के अंदर, मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज देख के और वो स्लाइडें पढ़ा के। मैं स्लाइड्स पढ़ाने पर बिलीव नहीं करता, मैं किताबें पढ़ने पर GK की बिलीव नहीं करता। हाँ, पास पेपर्स इम्पॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर्स की हद तक, PAKMCQ.com की हद तक, और उसमें भी करंट अफेयर्स की हद तक मैं उसको एग्री करता हूँ। बाकी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती, छोटा सा ओवरव्यू दे के फिर मैं उसके बाद सेशन पे आता हूँ। इसी तरह से हमारे मुख्तलिफ दोस्त हैं जो पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, जिनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 1-2 सब्जेक्ट्स होते हैं मैक्सिमम। ज्योग्राफी हो गया, पाकिस्तान अफेयर हो गया, या इस्लाम या तो हो गया, सेशन में 10 के 10 सब्जेक्ट्स बहुत डीपली डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। जो बच्चा जीरो लेवल पे भी खड़ा है, मेरे पास वो बच्चा आता है जो जीरो लेवल पे होता है, और उस जीरो के लेवल को मैंने ऊपर 100 तक मैंने पहुंचाना होता है। मैं आप लोगों की 80 मार्क्स तक तो मैं तैयारी करवा दूंगा, 85, 82, 80 तक। ऊपर वाले जो 5-10 नंबर होते हैं, वो आपने 10 नंबर वो अपने जोर लगा के थोड़ा सा खुद पढ़ के आपने लेने होते हैं। बाकी की तैयारी मैं आपकी करवा दूंगा। आप मेरे सेशन लेके अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप 75-80 तक इजीली चले जाते होते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल्स हैं, हजारों की सैकड़ों की तादाद में एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ी हुई हैं। आप पूछ लें, रॉ स्टूडेंट्स होते हैं, वो आते हैं और उसके पढ़ के फिर चले जाते। तो सेम हमने इस सेशन के अंदर भी, और आपको कोई भी मसला होता है, परेशानी होती है, आप डायरेक्टली तो फिर आप मुझे बार बार रिमाइंडर दे के पूछ सकते हैं। तो पर जाके चीजें पढ़ा रहा होता था और आप, मैंने सोचा कि नहीं मुझे ये शुरू करना चाहिए ताकि स्टूडेंट साथ मेरा लाइजॉन इंटरेक्शन बढ़ता रहे, तो उससे काफी ज्यादा कम हो गया था। अभी आपके जो क्वेश्चन है, मैं चूंकि लैपटॉप से थोड़ा दूर होकर स्क्रीन को देख रहा हूँ, तो
इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हमने ये 10 के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वर्ल्ड जो दो और इस्लामियात, ये टोटल आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, इन 10 के 10 सब्जेक्ट्स को जो मेरा तरीका कार है, मैं पहले एक सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, उसको पढ़ाया, ख़त्म किया, उसके बाद अगला सब्जेक्ट पढ़ाया, उसको ख़त्म किया, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाया, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाया, फिर ख़त्म किया, तो इस तरह करते करते ये 10 सब्जेक्ट्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। लेट सपोज पाकिस्तान, लेट सपोज मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस 10 के 10 सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे क्या? देखें, आपको किसी भी मुल्क की जब आपको ज्योग्राफी समझ आ जाती है या किसी भी कॉन्टिनेंट की, तो आप उस मुल्क की लिविंग स्टैंडर्ड को, उस मुल्क की पॉलिटिक्स को, उस मुल्क के रीजनल पॉलिटिक्स को, नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उसका क्या किरदार है, ग्लोबल लेवल के ऊपर कितना बड़ा एक्टर है, प्लेयर है, या उसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी अहमियत की हामिल है, आप उसको इजीली जज कर सकते हैं। तो आप पहले दिन से, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स को मुझे ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, सख्ती के साथ रिकमेंड करूंगा, कि आप लोग घरों के अंदर एक वर्ल्ड मैप फौरी तौर पे कल आपके कमरे के अंदर लगा होना चाहिए, आपके बेडरूम की साइड पे लगा होना चाहिए, चाहे दीवार है, छोटी है, छोटी है, जो भी है, एक वर्ल्ड मैप आपकी साइड टेबल के ऊपर होना चाहिए, आपकी दीवार के ऊपर लगा होना चाहिए, जैसे आप कमरे के अंदर एंटर हो आपके सामने नजर पड़े, और डेली की बेसिस पे आपने उसको देखना है। मैं आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स का मैप आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा या टैब पे कुछ पढ़ाऊंगा। आज हम शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, फिलहाल वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सीन होता है कि आप इसमें, दुनिया में 193 कंट्रीज हैं और बहुत सारे आइलैंड्स हैं। उन 193 कंट्रीज को, जाहिर सी बात है, उनकी कोई ना कोई बाउंड्रीज होती हैं, जब से नेशन स्टेट का कंसेप्ट वजूद में आया, तो बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं। और दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी मैं यहाँ पे मैप बनाऊंगा, फिर सीज हैं वो समझाऊंगा, ओशंस हैं वो समझाऊंगा आपको पूरे मैप के ऊपर, वर्ल्ड मैप के ऊपर। इसी तरह से मैं आपको हर एक कॉन्टिनेंट को, 7 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया से हम शुरू करेंगे, यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर अमेरिका, नॉर्थ और साउथ दोनों, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के ऊपर जाएंगे, यूरोप भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, तकरीबन कोई 15 से 18 लेक्चर्स, 15 लेक्चर्स, 14-15 लेक्चर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी ले जाती है, क्योंकि मुझे जीके, मैं वो बड़े डीप पढ़ाता होता हूँ। इससे ये होगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी और आपके तमाम मैप्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी जितनी भी दिमाग के अंदर अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी से रिलेटेड, सारा ज्योग्राफी में क्या क्या कुछ कवर होगा, मैं आपको शुरू करके पढ़ाऊंगा मैप अर्थ से। अर्थ में फिर आपको इक्वेटर क्या होता है, प्राइम मेरिडियन लाइन क्या होती है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएंगे कि टाइम हमारा 5 घंटे आगे क्यों है यूके से, GMT साइन से। GMT के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले जाएंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे दुनिया के अंदर जितने भी आइलैंड्स हैं वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, सारे आइलैंड्स, मतलब जो मेजर हैं, 10-12 मेजर्स हैं, मेजर आइलैंड्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइलैंड के बाद स्ट्रेट है, गल्फ है, बे है, बाइट है, क्रीक है, ये तकरीबन तमाम चीजें हमने सारी की सारी डीपली पढ़नी है, पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया में कितने स्ट्रेट्स हैं, कौन सा स्ट्रेट किसको मिलाता है, स्ट्रेट होता क्या है, गल्फ क्या होती है, बाइट क्या होती है, क्रीक क्या होती है, कौन सी गल्फ कहाँ पे पड़ी हुई है, सबसे बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, क्रीक क्या होती है, सबसे बड़ी क्रीक कहाँ पे है, छोटी क्रीक कहाँ पे है, बाकी क्रीक्स के बारे में, सबसे ज्यादा क्रीक्स कहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे ओशंस के ऊपर, ओशंस चूंकि बिगर बॉडी होती है वाटर की, उनको हम डिस्कस करेंगे कि यार ये हमारा अटलांटिक ओशन है तो ये कहाँ पे है, इसके साथ कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स लगते होते हैं, इसका पैसेज किस किस तरह से है, ये राउट किस तरह से बनता है, ट्रेड राउट को के अंदर इसकी क्या पोटेंशियल है, कोल्ड वॉर में इसका क्या रहा है स्टेटस, इसी तरह से अटलांटिक है आपका, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन है, बहुत बड़ा ओशन है,
और डीपेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, फिर पेसिफिक को हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, अटलांटिक की क्या हैं, उसके बाद आपके इंडियन ओशन की क्या हैं, साउथ चाइना सी है उसको देखेंगे, सीज के ऊपर भी चले जाएंगे, आर्कटिक ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। उसके बाद सीज हैं, दुनिया के जितने भी सीज हैं सब के सब हम पढ़ेंगे। ब्लैक सी है, कहाँ पे पाया जाता है, कौन कौन से कंट्रीज को टच करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक सी, व्हाई इट इज कॉल्ड रेड सी, रेड सी किधर है, डेड सी किधर है, ठीक है, सी ऑफ मारमरा किधर है, बहुत सारे सीज पड़े हुए हैं आपके पास, भारतीय भी है, सारा कुछ है। इसी तरह से ये सीज जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम जाएंगे ग्लेशियर्स के ऊपर। दुनिया के ग्लेशियर्स, पाकिस्तान के ग्लेशियर्स, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, वो हम ग्लेशियर्स पढ़ेंगे, फिर हम माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, माउंटेन रेंजेस को डिस्कस करेंगे, पूरी दुनिया की माउंटेन रेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड मुझे दें। अच्छा, पूरी दुनिया की हम माउंटेन रेंजेस को हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स हो गए, माउंटेन्स, लेक्स, लेक्स हमने सारी करके फिर हम डेजर्ट्स के ऊपर चले जाएंगे, पूरी दुनिया के डेजर्ट्स को डिस्कस कर लेंगे हम। फिर उसके बाद दुनिया के चोक पॉइंट्स की तरफ चले जाएंगे हम, फिर हम कैनाल्स की तरफ चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट इस्थमस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, पूरी दुनिया के, इन सब को हमने बड़ा थॉरली और डिटेल के अंदर हमने डिस्कस करना है चीज़ों को। लाइकवाइज ये सारा करते करते इस तरीके से हमारी जो ज्योग्राफी की भी बेसिक्स होगी, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी को पढ़ाते पढ़ाते मुझे तीन चार लेक्चर्स आपको चाहिए होंगे, मुझे मतलब दरकार होंगे आपको पढ़ाने के लिए। उसके बाद आई विल बी टीचिंग द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप को मैं एक एशिया का मैप यहाँ पे बनाऊंगा, देन यूरोप का मैप बनाऊंगा अगले लेक्चर से अगले लेक्चर में, यानी कि एशिया के ऊपर मुझे 3 4 दिन लग जाएंगे, 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मैप बनाना होता है, मैप के अंदर क्लैरिटी बड़ी बड़ी जरूरी होती है। आपसे खुद भी मैं पढ़ाऊंगा, लेट सपोज एशिया को मैं पढ़ा रहा हूं, तो पहले मैं आपको एशिया की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एशिया की हिस्ट्री क्या है, उसके बाद एशिया के अंदर कितने कंट्रीज हैं, एशिया का टोटल एरिया कितना है, एशिया की क्या खसूसियात हैं जो बाकी कॉन्टिनेंट से इसको यूनिक बनाती हैं, उसके बाद एशिया के एक एक मुल्क की डिटेल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट सपोज पाकिस्तान है, चाइना है, ये जो पहले साउथ एशिया, एशिया को मैं डिवाइड कर लूंगा और फिर मैं आपको पहले एशिया के अंदर, लेट सपोज मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक सेकेंड, लेट सपोज ये एशिया का मैप है, तो ये आपका ऊपर होता है, आपका नॉर्थ हमेशा नीचे होता है, साउथ इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है जी, ये वाला है सेंट्रल एशिया, मैं आपको बताऊंगा नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर क्या है, ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर क्या है, ये साउथ वेस्ट एशिया के अंदर क्या है और नॉर्थ वेस्ट एशिया के अंदर क्या क्या है, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ डिटेल के अंदर पढ़ा के एक एक कंट्री को डिस्कस करेंगे कि यार एशिया के नॉर्थ में क्या है, एशिया के नॉर्थ ईस्ट में कितने कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट में कितने कंट्रीज हैं, साउथ वेस्ट में कितने कंट्रीज हैं और साउथ ईस्ट के अंदर कितने कंट्रीज हैं। लेट सपोज मैं आपको मुल्क पढ़ा रहा हूं कोई चाइना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट ना भेजें, लेट सपोज मैं आपको एक कंट्री पढ़ाता हूं कि यार ये चाइना है, चाइना इस डेट को बना था, इसका नाम ये है, इसका कैपिटल ये है, इसके पार्लियामेंट का नाम ये है, इसका फाउंडर ये है, अच्छा उसके बाद चाइना के इतने बड़े लीडर्स ये रहे हैं, चाइना पॉवर्टी से ऐसे निकला है, चाइना की ड्राई पोर्ट्स ये हैं, सी पोर्ट्स ये हैं, चाइना की खुफिया एजेंसी ये है, चाइना की आप कैसी ये है, उसके बाद चाइना का कैपिटल हो गया, मेजर सिटीज हो गए, डेजर्ट्स हो गए, रिवर्स हो गए, चाइना के ओशंस हो गए, चाइना के डैम्स हो गए, चाइना की फेमस स्ट्रीट्स हो गई, चाइना के फेमस पर्सनैलिटीज हो गई, चाइना की यानी के जो रेवोल्यूशनरी पर्सनालिटीज थी वो भी मैं डिस्कस करूंगा, उसका पॉलिटिकल सिस्टम है चाइना का डिस्कस करूंगा। इसी तरह से लेट्स सपोज अगर मैं चाइना पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको चाइना की जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है या जो सबसे ज्यादा चीजें सबसे पहले चाइना ने बनाई, जैसे करेंसी पूरी दुनिया में कोई कंसेप्ट नहीं था,
मैं आपको बताऊंगा कि इसका आगाज कैसे हुआ, करेंसी का बनी कैसे है, बनाई किसने है, ठीक है जी, किसके दौर में बनी। दीवारें चीन है, फेमस चीजें हैं चाइना की जो घूमने फिरने की हैं, वो उसकी क्या लेंथ है, किसने बनाई, कौन सी डायनेस्टी ने बनाई, क्यों बनाई, डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ उस वक्त चाइना क्यों गया। तो ये वो बहुत सारी मेजर चीजें हैं जिसमें ना आपको पूरे चाइना की क्लैरिटी हो जाएगी, पूरी चाइना की एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो एक बात तो ये तय हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे और इसी तरह से ही कवर डिटेल में हमने डिस्कस करना है चीजों को, इसको छोटा। नेक्स्ट हमने चाइना को पढ़ के उसके बाद फिर हम एक और कंट्री की तरफ जाएंगे और यानी कि चाइना को आप डीपली डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे होगा, इससे चाइना के आपको बॉर्डर्स का पता चल जाएगा, चाइना कितने कंट्रीज के साथ, उसका बॉर्डर कितने कंट्रीज के साथ लगता होता है। और मेरी आज बात हुई है पीपीएससी में, पीएमएस का डिसीजन अभी ले रही है पीपीएससी, अभी लिया नहीं है उन्होंने, तो मैंने बताया कि मिड अक्टूबर में शायद डिसीजन ले लेंगे, जैसे लेंगे तो मैं आपको, जहां तक मेरी रिपोर्ट्स हैं, कुछ कह रहे हैं कह रहे हैं नहीं होगा, आप अपने को कंटिन्यू रखें। जो पहली खबर थी वो ये थी कि नहीं होगा, लेकिन इस दफा की जो खबर है वो ये है कि क्योंकि लिटिगेशन के अंदर कुछ केसेस चल रहे हैं तो लिहाजा होप्स हो के एक्सपेक्टेड है सिलेबस भी शायद आ जाए। सिलेबस का मतलब ये कि उसके पेपर्स की भी अनाउंसमेंट शायद हो जाए, उसका डिस बाद आज के साथ कौन कौन से सीज लगते हैं, रिवर्स लगते हैं, चाइना के ग्लेशियर्स, सारा कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो लाइक वाइज इसी तरह से पाकिस्तान है, इसी तरह से श्रीलंका, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, इसी तरह से आपका बर्मा हो गया, इसी तरीके से आपके फिलीपीन, थाईलैंड, मलेशिया, उसके बाद आपका ये लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है जी, सिंगापुर हो गया, ये सारे के सारे जितने भी कंट्रीज हैं, मलेशिया वगैरह हो गया, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जापान हो गया, ऊपर चले जाएंगे तो मंगोलिया, उधर उसका ईस्ट फिर मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज हैं जो कि एशिया के अंदर आते हैं, वो भी मैं सारे के सारे आपको पढ़ाऊंगा। इजिप्ट चूंकि अफ्रीका का पार्ट बन जाता है बीच में, रेड सी आ जाता है, तो ये एशिया का से, इराक भी इसमें शामिल है, ईरान भी इसमें शामिल है, सेंट्रल एशियन स्टेट सारी की सारी इधर, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कर्गिस्तान, तो टोटल एशिया के 48 कंट्रीज डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इससे आपकी एशिया का पूरा मैप क्लियर हो जाएगा, हिस्ट्री की बातें उसमें डिस्कस होंगी, बहुत सारी चीजें जो कि आज तक आपकी आपके इलम में नहीं होंगी या होंगी भी सही तो मजीद क्लियर हो जाएंगी। एक बात, इसी तरह से मैं आपको जाऊंगा यूरोप की हिस्ट्री के ऊपर, यूरोप के मैप की तरफ, यूरोप के मैप को हिस्ट्री बताऊंगा, कहाँ से, मैग्ना कार्टा से, या ग्रीस से बता दूंगा, ग्रीक एरा, वहां से मैग्ना कार्टा, वहां से रेनेसांस, वहां से इनलाइटनमेंट, हल्का 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 टच, ताकि आपको पता हो कि एवोल्यूशन किस तरीके से हुई है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर क्या कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन, फिर वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, लीग ऑफ नेशंस है, बहुत सारी ट्रीटीज हुई, वो हो गई, उसके बाद आपका यूरोपीय यूनियन हो गया, वो हो गया, जब से यूएन बना तो उसके बाद काम ठंडा हो गया वहां पे। यूरोप की जो कॉलोनाइजेशन थी वो किस तरह से स्टार्ट हुई, यूरोप की कॉलोनाइजेशन एंड किस तरीके से की, जो उन्होंने पूरी दुनिया कॉलोनाइज किया हुआ था। तो ये उसके बाद फिर हम जाएंगे यूरोप के मैप के ऊपर, यूरोप के मैप को ऊपर से मैं शुरू कराऊंगा जिसमें नॉर्डिक कंट्रीज आ जाते हैं, जो नॉर्थ के अंदर है, कौन कौन से हैं नॉर्डिक कंट्रीज में, ऊपर से हम शुरू करेंगे स्वीडन, स्वीडन से, फिनलैंड से और नॉर्वे से, वहां से शुरू करते हुए नीचे डेनमार्क, उसके बाद ये जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं यूरोप के, वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे कंट्रीज हो गए, बाल्टिक स्टेट्स हो गई, सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर हम सेंट्रल यूरोप की तरफ जाएंगे, सेंट्रल को पढ़ के फिर वेस्ट यूरोप की तरफ जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर सबसे वेस्ट में तो वैसे आयरलैंड आता है, बीच में फिर सी है छोटा सा, फिर
फिर दोबारा यूके है, फिर एक सी आ जाता है, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन शुरू होता है, ये जर्मनी और स्विट्जरलैंड, और उसके नीचे ये स्पेन फ्रांस वगैरह हो गया, और सारे कंट्रीज शुरू होते हैं यहाँ से। तो उसके बाद फिर आता है साउथ, तो यूरोप के साउथ को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके नीचे फिर मेडिटेरेनियन सी है, और उसके नीचे फिर अफ्रीका बैठा हुआ है। तो ये यूरोप आपका, इसी तरह से अफ्रीका को हम डिस्कस करेंगे, सारे कंट्रीज को। अफ्रीका की ज्योग्राफी इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन लेकिन किसी दौर में करती थी। तो इसी तरह से उसके बाद फिर हम जाएंगे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर और साउथ अमेरिका के ऊपर। अमेरिका की पूरी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि यहाँ पे पहले कॉलोनाइजेशन किस तरह से स्टार्ट हुई, डच कैसे गए वहाँ पे, फ्रेंच कैसे गए वहाँ पे, स्पेनिश कैसे गए, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स कैसे गए, किस किस तरीके से उन्होंने यूएस को कॉलोनाइज किया, और ब्रिटिशर्स ने फिर कैसी कैसी लड़ाइयाँ करके उन सबको वहाँ से निकाला, और फिर 13 स्टेट्स बनी अमेरिका, फिर वो अमेरिका आज़ाद हुआ, फिर 13 13 स्टेट्स बनाई, फिर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू हुई, और फिर 50 स्टेट्स तक ये काम गया। तो ये सारी हिस्ट्री अमेरिका के प्रेसिडेंट्स, उसके बाद उसका पॉलिटिकल सिस्टम, फिर अमेरिका की ज्योग्राफी मैप बनाऊंगा। कनाडा से शुरू करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका को, कनाडा को पढ़ेंगे डीपली, उसके नीचे आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि यूएसए है, यूएसए की 50 रियासतें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी आइलैंड्स के अंदर हैं, कौन सी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी प्रोमिनेंट है, वो सारा मैप खोल के, उसके रिवर्स, उसके डेजर्ट्स, उसकी जितनी भी ज्योग्राफिक चीज़ें हैं, लेक्स पूछता होता है मोस्टली, वो भी सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अमेरिका। इस तरह से साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज़ को मैं एक एक करके पढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। इसी तरह बीच में सेंट्रल अमेरिका जाता है, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, फिर कैरेबियन स्टेट्स आ जाती हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, तो ये अमेरिका का मैप भी पूरा हो जाएगा। इसी तरह से आपका ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक सेकेंड, आउट ऑफ वीडियोज, थैंक हाउ यू कैन डू, ताकि आप मुझसे पढ़ें, भले आप खुद पढ़ें, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं वो फिल्म, बहुत कई कई साल से यही फीस चल रही है, कई महीनों से, और यही फीस है, और उसमें ना गरीब का बच्चा सबसे, मेरा जो मेन टारगेट होता है वो गरीब का, अपने इलाके से दूर 12,000 है, और ये भी इसलिए ताकि आप लोग रिस्पॉन्सिबल रहें। मुफ्त की दवाई पाकिस्तानियों को नहीं लगती होती हमारे यहाँ, ना पढ़ाई लगती है ना दवाई लगती है। तो अच्छा, उसके बाद ना मैं आपको फिर एक एक लेक्चर ऐसा भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें मैं बताऊंगा यार जीके करते कैसे हैं। एक सवाल से, एक सवाल आपके पास को जीके का पूछता है किसी भी टॉपिक से, आप उससे 30 35 सवाल किस तरह से निकाल सकते हैं। एक सवाल पूछा हुआ है कोई भी, एक सवाल, कोई एक सवाल पूछता है आपसे, लेट्स सपोज आपसे ये पूछ लेता है कि यार इंडस रिवर के बारे में कोई सवाल करता है, फिर आप शुरू हो जाए, इंडस शुरू कहाँ से होता है, अच्छा तिब्बत में जिंगबाओ कहाँ पे है, अच्छा तिब्बत की क्या हिस्ट्री है, तिब्बत कैसे कैसे चाइना के पास गया था, वहाँ पे क्या क्या फड्डे चल रहे हैं अमेरिका इंडिया के और चाइना के, अच्छा ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये कहाँ 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 से आती हैं, कहाँ इकट्ठे होती हैं, फिर इनका पानी कहाँ कहाँ से इकट्ठे होता है, इनका एक किस तरह से आगे स्ट्रीम बनती है और किस तरीके से रिवर में कन्वर्ट होता है, अच्छा ये बताएं कि इंडस के ऊपर कौन कौन से जो है ना ये रिवर्स हैं, कौन कौन से इंडस के ऊपर कौन कौन से बैराजेस हैं, कौन कौन से डैम्स हैं, इस तरह से इंडस की टोटल लेंथ कितनी है, कहाँ पे जाके गिरता है, इंडस के अंदर कौन सी फिश ज्यादा मशहूर है, तो यानी कि एक क्वेश्चन से आप कितने सारे एमसीक्यू निकाल सकते हैं। तो वो तब आप पढ़ेंगे जब आप रिसर्च की तरफ जाएंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर जब आपने, मैं इस तरह पढ़ता था, मेरा कोई मेंटोर नहीं, कोई मेरा टीचर नहीं है, मैंने एक एक टॉपिक के ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च करता था कि उसके अंदर घुस जाता था, उसको खोल खोल के पढ़ता था, जब तक मुझे सुकून नहीं था तब मैं तब तक उसको पढ़ता रहता था, और यही वजह है कि मैंने पीपीएससी के टोटल 4 मेरे ख्याल से 1 पेपर दिए, और उसके एफपीएससी से मैथ, और मेरा एडीएफआई भी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं पीएमएस के 2 दफा मैंने टॉप किया पूरे पंजाब में जीके, और एक दफा एंटी करप्शन का दिया था तो उसका रिजल्ट नहीं था आया, क्योंकि उसमें वो उसका वो फड्डा शड्डा हो गया था, वो पेपर लीक वो पता नहीं कुछ इस तरह से हुआ था, तो ज्यादा मैंने पेपर दिए ही नहीं है क्योंकि मेरा पीएमएस हो गया था, और मैंने कभी सोलह ग्रेड पे अप्लाई नहीं किया था, कभी भी नहीं किया, मुझे पता है तो 17वें में लिखी होगी, नहीं तो 16वीं ना, आप लोग किया करें, आपको एक्सपीरियंस होगा। अब चलते हैं आगे, ये चलते हैं इंडो पाक हिस्ट्री की तरफ। इंडो पाक हिस्ट्री
क्यों पढ़ना जरूरी है? पहली बात तो ये है, अब आप लोग कहेंगे कि ये अपसलीट हो गई, नहीं सोच रहे हैं। पेपर में उसके डायनामिक्स कभी भी वो चेंज कर सकता है, जो आपका पेपर बनाने वाला बंदा है कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है। बहुत जरूरी है, उससे क्या होगा, उससे आपको पाकिस्तान अफेयर्स की सही समझ आएगी। जब आपको हिस्ट्री, जब आप लिंक करके पढ़ेंगे, एक चेन के साथ पढ़ेंगे, टूटेगी नहीं, तो तब आपको सही समझ आएगी। आप लोग किताबों पर डिपेंड करते हैं, एक किताबों में एक एमसीक्यू पाकिस्तान अफेयर का होता है, अगला करंट अफेयर का होता है, अगला कोई इंग्लिश का होता है, उससे समझ ही नहीं आती। जब तक आप इस क्या कहते हैं, इंडो पाक हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री में एक्चुअली 2 दिन से सोया नहीं हूँ, बिजी था। तो अच्छा, दो उसके बाद क्या कह रहा था मैं, इंडो पाक हिस्ट्री में हम चले जाएंगे रिटर्न हिस्ट्री, जहाँ से शुरू होती है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ग्रीक्स के ऊपर आएंगे, मेसोपोटामियन को देखेंगे कि ये कौन थे, पर्शियन को डिस्कस करेंगे, इरानियन ने वो उसको डिस्कस करेंगे सिविलाइजेशन को, उसके बाद आपकी ये जो है ये जो आपके चांकी एम्पायर है इसको डिस्कस करेंगे, मौर्यन को डिस्कस करेंगे, फिर आपकी कुशन है इसको डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एम्पायर्स हैं, चाइनीज को हम डिस्कस करेंगे, फिर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेन हमारा ये टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इब्तदा कैसे हुई है, कौन लोग थे, हिस्ट्री क्या थी, कल्चर था, कल्चर पे क्या इनकी कमांड थी, क्या क्या इनोवेशंस हुई थी इस वक्त, ये लोग थे कौन, ये सारा कुछ। वहां से आते आते हम रोमन एम्पायर की तरफ आ जाएंगे, रोमन एम्पायर कैसे टूटी, ईस्टर्न वेस्टर्न में बाइजेंटाइन एम्पायर को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद आ जाएंगे डायरेक्ट हम इस्लामिक सिविलाइजेशन के ऊपर। इस्लाम आया, इस्लाम सब कॉन्टिनेंट के अंदर कैसा है वो आपको पता है, बदील और बैदुल्ला वहाँ शुरू होता है, उसके बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम आता है, मोहम्मद बिन कासिम को चूंकि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो था उसने बुलवा के वापस कत्ल करवा दिया था, उसको भी, खुजैमा को भी, और तारिक बिन ज़ियाद को भी उसने मरवाने की कोशिश की, और ये सारी इन्वेजन जो है उसके दौर में हुई है, वलीद बिन अब्दुल मलिक और उसके बाद वाले दौर में। ये जो बनू उमैया का दौर है बेसिकली ये शुरू होता है 661 AD से और ये जाता है 750 AD तक। एक एक को हम पढ़ेंगे इनके रूलर को कि किसके दौर में क्या क्या हुआ, वो हम इस्लामियत में पढ़ेंगे, इंडो पाक हिस्ट्री में हम मोहम्मद बिन कासिम से ही शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे राजा दाहिर और राजा चच, यहाँ पे सिंध के अंदर इनके खिलाफ लोगों ने क्यों रिवॉल्ट की, लोग इनसे खुश भी बहुत थे, क्योंकि यहाँ पे सारे मेजोरिटी उस वक्त हिंदू थे, मुसलमान तो कोई था ही नहीं, ठीक है जी, लोग बड़े खुश थे इनके साथ। तो पायरेट्स वाली कहानी है वो, सिर्फ ऐसे कहानी बनी हुई है कि जी उन्होंने औरत को किया हुआ था और वो सारा कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान ताला पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो, अजीब ही सब लिखी हुई है। इसी तरह से वो मोहम्मद कासिम को शुरू करेंगे, उसके दौर में 3 साल बाद ही कॉल्ड बैक एंड ही वाज किल्ड, ब्रूटली किल्ड, मोहम्मद कासिम के साथ बहुत टॉर्चर किया गया। उसके बाद फिर हम जाएंगे उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे और इनको गजनियों को डिस्कस करेंगे कि ये लोग कौन थे, ये अलप तगीन सबक तगीन ये लोग कौन थे, यहाँ से आगे महमूद गजनवी तक कैसे काम पहुंचा, उसने 17 हमले 1000 साल में शुरू करके 1026 तक कितने हमले किए, कहाँ कहाँ पे किए, क्या क्या उसने यहाँ से लेके गया। सम पीपल ऑफ द व्यू दैट ही वाज अ लूटर प्लंडरर प्लंडरर, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो तो हमारा लीडर था, वो तो हीरो था, और नॉट हीरो। तो ये सारी हिस्ट्री है, आप लोग पढ़ेंगे तो खुद ही आप अज्यूम कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये मैंने कुछ क्रिटिक्स के बारे में कहा है कि कुछ लोगों का ये राय है और कुछ लोगों की ये राय है, थिंकर्स हैं जो उसको डिसलाइक करते थे, और ये सारे सेंट्रल थे। फिर गजनियों के साथ गौरियों की आपस में लड़ाई हुई और गौरियों ने लड़ाई करना शुरू की और 1153 से काम शुरू हुआ, 1186 पे काम खत्म हुआ। तो ये ऑफिशियली तो वैसे 986 से ही शुरू हो गई थी इनकी गजनियों की, और उसके बाद 1186 तक खत्म हुई, फिर गौरी आ गए 1186 से ऑन, गौरी शाबुद्दीन गौरी वाज किल्ड बाय कोकर्स, और 1206 में फिर जो जो दिल्ली सल्तनत है उसका आगाज होता है, जिसमें पहली जो है वो स्लेव डायनेस्टी आ जाती है। तो स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मेन रोल प्ले करता है, और सबसे इनिशियली शुरू ही वही है दिल्ली के अंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो से पोलो खेलते हुए गिर के मर गया हुआ था। उसके बाद यार मैं आपके क्वेश्चंस अभी नहीं देख रहा, मैं बाद में देखूंगा। तो
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो ठीक बंदा था, लेकिन उसके बाद फिर शमसुद्दीन अल्तमश आया, वेरी पावरफुल गुड रूलर, और शमसुद्दीन अल्तमश बेजरूल लास्टेड फ्रॉम 1210 टू 1236, ठीक है जी, 1236 AD। और उसके बाद फिर उसकी बेटी रजिया सुल्ताना आती है, और उसके बाद ये सारा सिलसिला चलता रहता है सीरियड डायनेस्टी का, और मुइजुद्दीन का कबाद तक जाके एंड पे पहुंचता है। बड़ी किरदार है, बताऊंगा आपको हिस्ट्री में बाद में, सिर्फ अभी सिर्फ टॉपिक्स डिस्कस करूं आज की क्लास में। उसके बाद आता है ये स्लेव आते हैं, खिलजी आ गए, फिर तगलुक आ गया, फिर सैयद आ गया, और फिर लोधी आ गया। ये 1206 से 1526 तक इन्हीं का सिलसिला चलता रहा। ये 5 डायनेस्टीज आई और उन्होंने रूल किया। मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, एक एक का रूलर, एक एक रूलर पढ़ाऊंगा कि खिलजियों का ये रूलर था, इसने ये काम किए, इसके अच्छे काम ये थे, बुरे काम ये थे। फिलहाल का ये था, इसके अच्छे काम ये थे, इसके बुरे काम ये थे। अच्छा, उसके साथ ही जो सैयद हैं वो, उसके दौर में मंगोलों के हमले हुए, अब्बासिया सल्तनत का खात्मा किया गया 1258 के अंदर, और वो भी मंगोलों ने आके खत्म किया था। तो ये सिलसिला चलता, और उसके बाद फिर लोधी आ गए 26 तक, लोधियों का टर्न ओवर है। लोधी भी मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा कि आखिरी जो लोधी था उसके साथ मुगलों की लड़ाई कैसे हुई, दौलत खान और इब्राहिम लोधी के दरमियान आपस का क्या ताल्लुक था, दौलत खान क्यों खिलाफ था लोधी के, उसके इब्राहिम लोधी के, और इब्राहिम लोधी की जो वॉर थी पानीपत की पहली जंग मुगलों के साथ, वो कब से कब तक हुई। 1 मिनट मुझे दे दें, मैं पानी पी लूँ। अच्छा, मैं फिजिकल क्लासेस इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं बहावलपुर पोस्टेड हूँ, और बहावलपुर में मैं कहाँ पे एकेडमी खोलूंगा, कितने कोई लोग आएंगे मेरे पास, बहावलपुर से ही आएंगे ना, यहाँ से तो पाकिस्तान होते हैं लोग काफी, कोई कराची से बैठा है, वो कहाँ से उनका फायदा हो रहा है। अच्छा, ये मुगल्स, फिर हम मुगलों से स्टार्ट करेंगे, मुगलों की मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि आए किधर से, ये सेंट्रल एशियन से, बाबर जीरोदीन बाबर वो कैसे आया, फरगाना में उसका बाप को बना था, इवन इनके आपस में खानदानी क्लैशेस बहुत ज्यादा थे। जीरोदीन बाबर के बाद इसने कैसे पानीपत की पहली वॉर लड़ी, फिर बाकी 1530 में उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद फिर उसका बेटा हुमायूं आया, हुमायूं शेरशाह सूरी तक चलता रहा। 1540 तक इनकी आपस में लड़ाई हुई, शेरशाह सूरी ने उसको निकाल दिया, ये भागा और पहले सिंध में रहा एक महाराजे, हिंदू महाराजे के पास, वहां से अकबर की पैदाइश हुई 1542 के अंदर, फिर उधर से ये चला गया ईरान, ईरान से फिर काबुल चला गया हुमायूं, वहां पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको सरसरी ओवरव्यू दे रहा हूँ। 1555 से ऑनवर्ड्स ये हुमायूं का दौर चला 1556 तक, उसके बाद उसका बेटा आ जाता है अकबर, की उम्र थी लेकिन चला बहरहान रहा था मामला के साथ। हेमू बेकाल की लड़ाई होती है, पानीपत की दूसरी जंग है 1556 की, वॉर वेरी फेमस वॉर, और बैरम खान ऑन दिस वॉर जो उसको डिफीट किया गया था हेमू बेकाल को। हेमू बेकाल बेसिकली जो आदिल सूरी और सिकंदर सूरी था उसका ये कमांडर था। आगे चलते हैं, हुमायूं का दौर हम पढ़ेंगे, अकबर का दौर पढ़ेंगे, अकबर के दौर के नौरतन, अकबर के दौर का दीन इलाही, अकबर के दौर की इन्वेजन्स, जो इतनी ज्यादा इन्वेजन्स की इंडिया के अंदर, वो सारी की देन वी विल द मिक्स अप व्हिच द हिस्ट्री हैज सीन इन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन, खास तौर पे जो इस्लाम था उसके अंदर मिक्स किए गए बाकी रिलीजन्स को, और दीन इलाही और उसने नाम दे के जनाब एक दीन नया बना दिया। वो अपनी सल्तनत को उसने मजबूत करने के चक्कर में, उसको वो भी हम पढ़ेंगे, उसके दौर में शेख अहमद सरहिंदी पैदा हुए, पैदा तो पहले हो गए थे, लड़े वो, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिफॉर्मर हैं। अकबर का बेटा आता है जहांगीर, 1506 में अकबर की 1606 में अकबर की डेथ हो जाती है 1605 के अंदर, और 1605 से 1627 तक आता है जहांगीर। जहांगीर पहले तो उसका भी सेम ट्रैक था अकबर की तरह, लेकिन बाद में शेख अहमद सरहिंदी ने उसके ऊपर
हाथ रखा और उनके ऊपर हाथ, उसके ऊपर हाथ रखा। बुजुर्ग थे शेख अहमद सरहिंदी, और उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट का मतलब कि उसने फिर वो समझा और उसके बाद वो ठीक हो गया। फिर उसकी जो परवरिश थी वो भी शेख अहमद सरहिंदी ने की, जिसका नाम शहनशाह शाहजहां था। शहनशाह शाहजहां को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अकबर को भी। शहनशाह शाहजहां जो था, जो ग्रेट बिल्डर, उसने बहुत सारी तामीरात की हैं। कौन कौन सी की बताऊंगा बाद में। उसके जो ताजमहल वाला किस्सा है वो मैं आपको बताऊंगा, मुमताज बेगम के साथ, अर्जुन बानो। इस तरह से 1687 से लेकर 1658 तक जाता है शाहजहां शहनशाह। उसके बाद 1658 से शुरू होता है काम, और 1707 तक आता है औरंगजेब आलमगीर, जो कि इसी का बेटा था, शहनशाह शाहजहां का। चार बेटे थे, तीन चार बेटे थे, मुराद, शुजाहा और ये सारे। तो ये इनके किसी ने बाप को भी जेल के अंदर बंद कर दिया था, ये जो आपका था औरंगजेब आलमगीर। तो औरंगजेब आलमगीर ने तमाम जो जो अकबर के दौर की तमाम हुई हुई थी रिफॉर्म्स, उन सबको, और जो था उसने कुछ था। और पढ़ेंगे बात, फिर मौका देते हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि यहाँ पे जहांगीर के दौर में आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे 1608 में सूरत में, गुजरात, और जहांगीर के दौर में फिर बनारस और कलकत्ता के अंदर ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाई, फिर शुरू हो गया उन्होंने। पहले तो वो डच और फ्रेंच के साथ लड़ते रहे, बाद में फिर प्लासी लड़ी हैदराबाद दक्कन वाले के साथ, बहुत बड़ी लड़ाई है, बैटल ऑफ सिकंदराबाद है, और दिल्ली के ऊपर आके उसने चढ़ाई की थी नादिर शाह ने। ईरानियन था, पर्शियन था, के जो इंटरनल रिवॉल्ट्स और डिटेल में कि वो क्या थे, वाई मुगल्स फेल्ड, उनका कोई गवर्नेंस सिस्टम नहीं था, सिर्फ याशी होती थी, कोई नेवी नहीं, कोई आर्मी नहीं इस्टेब्लिश, कोई रेवेन्यू को बढ़ाने के वो रिफॉर्म्स नहीं की, कोई रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, टैक्स कलेक्ट बाद में इन्होंने बेन था दूसरे लगाना शुरू कर दिए थे, ट्रेड को बढ़ाया नहीं, फोकस ही नहीं किया इंडस्ट्री की तरफ या किसी और चीज की तरफ, ट्रेडिशनल फार्मिंग के थ्रू ही पैसा कमाते थे या थोड़ी बहुत बाकी चीजें। इवन इंडिया की उस वक्त इकोनॉमी वॉज 23% बिफोर द कह सकते हैं कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ब्रिटिशर्स को था अच्छा खासा पोटेंशियल, उन्होंने लाइनें बिछाई रेलवेज की, उन्होंने नहरें बिछा दी, उन्होंने यहाँ से माल कमाया, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया अपने मुल्क में, वहाँ से चीज़ें बनाई, बना के आके बेची इन लोगों को। तो वो टैक्टफुली उन्होंने हैंडल किया, बड़े फ्यू देयर फ्यू ब्रिटिशर्स हु कंट्रोल्ड मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसी तरह से हम आगे की तरफ जाएंगे, और ये इंडो पाक हिस्ट्री अभी चल रही है, यानी कि इसमें ना मुगल्स का दौर पूरा पढ़ेंगे, फिर इस तरह से आपकी 1858-57 वाली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको पढ़ेंगे, ये बीच में रिफॉर्मर्स आ जाते हैं, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद शहीद बरेलवी, इस तरह से सर सैयद अहमद खान, अलामा, ये इनको पढ़ेंगे। उसके बाद शुरू होता है यहाँ से पाकिस्तान अफेयर्स 1857 से ऑनवर्ड्स, ये तीसरा वाला पाकिस्तान अफेयर्स। बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा 1857 से ऑनवर्ड्स कहाँ तक, 2024 तक क्या क्या पढ़ेंगे, आप शुरू करते हैं वहां से। आपको मैं पढ़ाऊंगा कि यार ये जो गवर्नर जनरल आए थे ना, ये इन्होंने किस तरीके से रूल किया, किस किस गवर्नर जनरल के दौर में क्या क्या रिफॉर्म्स लाई गई, किस किस तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया, एजुकेशन कैसा था, बाकी चीजें कैसी थी, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, उनकी रिफॉर्म्स क्या थी यहाँ पे माशरे के अंदर, कोप किस तरह से किया इन्होंने, थ्रेट्स को कंट्रोल कैसे किया लोगों को। तो लॉर्ड कैनिंग से स्टार्ट करेंगे और लॉर्ड माउंटबेटन तक जाएंगे, सारे लॉर्ड्स को पढ़ाऊंगा डिटेल में। 1885 के अंदर बनती है कांग्रेस, और उससे पहले ही कांग्रेस की मूवमेंट शुरू हो चुकी थी 1883 के अंदर। ये ब्रिटिशर्स का ही बेसिक आइडिया था कि बनाई जाए यहाँ के लोगों के पॉलिटिकल पार्टी, और वो कांग्रेस की सूरत में नजर आई, जो कि इंडियंस हिंदू ने मिलकर चलाई। दाओ सर सैयद अहमद खान वॉज द ओनली मुस्लिम लीडर जो पोलिटिकली साउंड थे, चीज़ों को समझते थे। शुरू में उनकी अलीगढ़ मूवमेंट में बड़ी तीन चीज़
फोकस किया उनका, लॉयल्टी होनी चाहिए ब्रिटिश के साथ, और एजुकेशन लो वेस्टर्न एजुकेशन, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये भी दूर करो, और इस तरह की चीज़ें। तो बाद में वो सारी की सारी सच साबित हुई, उनके खिलाफ पैरा मौलवियों का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जिन्होंने उनके ऊपर फतवे लगाना शुरू किए। तो उसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहा, और कांग्रेस बन गई और ससेम खान की बाद में डेथ हो गई। तो उसके बाद मुस्लिम लीडरशिप तो कहीं थी ही नहीं, ये बाद में अलीगढ़ के लड़के थे जो पढ़े लिखे थे, और उन्होंने पर मिल के बाद में फ्यूडल इलीट्स से NWFP बना। उसके बाद फिर बंगाल वॉज अ वेरी ह्यूज प्रोविंस। बंगाल की डिवीजन की ब्रिटिशर्स ने 1905 के अंदर अक्टूबर की 8। तो ये बंगाल की जब डिवीजन हुई है उस वक्त मुसलमानों के तो कुछ हालात बेहतर हो गए, क्योंकि वेस्टर्न जो पार्ट था उसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, 54 मिलियन में 42 मिलियन हिंदूज थे, और ईस्टर्न बांग्लादेश के अंदर, ईस्टर्न बंगाल के अंदर जो था वो 18 मिलियन, टोटल 31 मिलियन थी, जिसमें तकरीबन कोई कह लें कि 18 मिलियन मुसलमान थे और बाकी नॉन मुस्लिम्स थे। तकरीबन 12 मिलियन हिंदूज थे और 1 मिलियन सिख थे 31 में से। इस एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों के ऊपर जो है वो बंगाल को डिवाइड किया गया। मुसलमान दे वर हैप्पी मुस्लिम्स, और जो हिंदूज थे वो नाराज हुए। उनकी कांग्रेस के अंदर जो वो स्पॉन्सर करते थे कांग्रेस को, वहाँ पे ट्रेडिंग पोर्ट्स होती थी, वो उधर चली गई मुसलमानों के पास। मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी, उनके तहफात बढ़ना शुरू हो गए, दे स्टॉप्ड स्पॉन्सरिंग कांग्रेस। उसके बाद फिर यू कांग्रेस हैड टू फाइट अगेंस्ट दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल। और फिर ब्रिटिशर्स दे ट्राई टू अपीज कांग्रेस इन 1909 बाय इंट्रोड्यूसिंग मिंटो मॉले रिफॉर्म्स, बट बिफोर दैट इन 1906 ऑल मुस्लिम्स वर गैदर्ड ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म एंड इन द लीडरशिप ऑफ सर आगा खान, दे वेंट टू देन द लॉर्डशिप ऑफ ब्रिटिश, और उसे मिले, और उसके बाद राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास कोई दी यू हैव नो पोलिटिकल पार्टी विद अ प्लेटफॉर्म, एंड देन यू शुड सीक दोज पर्टिकुलर डिमांड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेट ऑफ अ पोलिटिकल बाय एस्टेब्लिशिंग अ पोलिटिकल पार्टी। तो इस तरीके दे वर गैदर्ड एंड फाइनली दे एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लीग इन दिसंबर 1906 इन ढाका, और बाद में उसके प्लेटफॉर्म से राइट टू सेपरेट इलेक्ट्रेट के मुसलमानों की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी उनमें से मुसलमान ही इलेक्शन लड़ेंगे, और उनके वो लोग जीत के आएंगे और असम्बलियों में बैठेंगे। उसके बाद मिंटो मॉले रिफॉर्म्स हुई। मिंटो मॉले ये मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ, बहुत लेंथ हमारा बहुत लग जाएगा। मिंटो मॉले रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे, उसके बाद कानपुर मास ट्रेजडी है उसको हम पढ़ेंगे, उससे पहले जो बालकन वॉर्स थी उनको पढ़ेंगे, यूरोप वाली सल्तनत उस्मानिया ओटोमान एम्पायर का क्या उसमें रोल था, 1914 के अंदर जो क्या कहते हैं ये जो वर्ल्ड वॉर वन पढ़ेंगे कि ये कैसे शुरू हुई, इसकी इब्तदा कैसे हुई, ओटोमान एम्पायर का क्या इसमें रोल था, और यहाँ पे चूंकि ब्रिटिशर्स थे रूल कर रहे थे तो उनको भी एक वॉर के अंदर जाना पड़ा, लड़ना पड़ी वो वॉर सारी की सारी। उस वॉर के अंदर उन्होंने जो डिमांड्स की थी यहाँ पे इंडियंस के साथ वो क्या क्या थी उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से यार वर्ल्ड वॉर वन के आफ्टर मैथ्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ के लोगों ने क्या वादे किए, यहाँ के लोगों ने साथ दिया नहीं दिया वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स का, वो पढ़ेंगे। लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर साइन किया गया, जिसमें पहली दफा और आखिरी दफा मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे हुए दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से, और डिमांड सेल्फ रूल इन 1916 फ्रॉम ब्रिटिशर्स। सेल्फ रूल बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा हम रिफॉर्म्स करेंगे, और रिफॉर्म्स उन्होंने फिर जो है वो मॉन्टेगो चार्ल्स फॉर्ब रिफॉर्म्स के अंदर की। 1919 में उन्होंने बहुत सारे हमने देखे कि इवेंट्स हुए जिसमें आपका ये जो रोवर्ट एक्ट है और जलियांवाला बाग मैसेकर है,
उसके बाद आप काउंसिल 19 में जिनान ने रिजाइन कर दिया था काउंसिल से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से। 1919 के अंदर तहरीक-ए- खिलाफत हुई, 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आई, 1919 में मोंटीगो चैम्फर्ड रिफॉर्म्स आई, 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनाने के बाद द अमेरिका डिड नॉट टेक पार्ट इन लीग ऑफ नेशंस, अमेरिका वाज नॉट द मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, तो यूएसए जो था। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर इसराइल को पढ़ेंगे बेलफोर डिक्लेरेशन के अंदर वो क्या था। बाद 1921 22 23 24 और 20 की जो गांधी की रिवॉल्ट थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वो पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का तरीके पढ़ेंगे, कांग्रेस के इलेक्शंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली प्रपोजल जो जिना साहब ने दिया जिसमें उन्होंने राइट टू सेपरेट इलेक्ट्रेट जो कि एक दिन मुतालबा था उसको सरेंडर किया है जी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जब चैलेंज किया कि इनको कि तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में ना सकते हो, दिल्ली रिपोर्ट ले आए फिर इंडियंस, और नेहरू खास तौर पे ही यू नो ही इग्नोर्ड ऑल द रिजर्वेशंस एंड ऑल द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम मुस्लिम लीग, सारी उसने रिपोर्ट कर दी थी उसने उस रिपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद 14 पॉइंट्स दिए गए जिनाह साहब की तरफ से, फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। और पहली में तो कोई इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, गांधी नहीं था, गांधी इसलिए नहीं था क्योंकि उसने 26 जनवरी को 1930 के अंदर पहली दफ़ा उसने पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था, आज़ादी का, मुकम्मल आज़ादी का, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 1929 में 30 के अंदर खुतबा इलाहाबाद हुआ, फिर 30 के अंदर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 31 में सेकेंड हुई, 32 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और फिर गांधी इरवन पैक्ट हुआ, गांधी वॉज अरेस्टेड और लॉर्ड इरवन ने उसे पैक्ट किया था। फिर पूना पैक्ट होता है और कम्युनल अवार्ड्स होते हैं पूना पैक्ट के अंदर, जिसमें बी आर अम्बेडकर उसने, उसके बाद फिर 1933 जिसमें पाकिस्तान का नाम आ जाता है और चौधरी रहमत अली नॉर नेवर है, 34 में जना सब परमानेंट प्रेसिडेंट बन गया मुस्लिम लीग के, फिर उन्हें व्हाइट पेपर भी जारी कर दिया, और उसके बाद फिर 35 का इंडिया एक्ट था वो दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 वाला। तो ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे और 35 के इस इंडिया एक्ट को हम बहुत डीपली डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये बहुत बहुत समझ लें कि उसने चेंज कर दिया था पूरे का पूरा सिस्टम। 37 के इलेक्शंस 11 सूबों में हुए, यूपी, सीपी, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब, NWFP और सिंध में, ठीक है जी, बंगाल स्मैथ, बॉम्बे स्मैथ। तो ये इलेक्शंस हुए, इनकी रेशो ये थी कि मुस्लिम लीग अनफॉर्चुनेटली एक भी सीट नहीं ले पाई, एक भी हुकूमत नहीं बना पाई किसी एक भी सूबे में। वो ये अलग बात है कि यूनियनिस्ट पार्टी जो थी उसने हिम्मत की और बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हो गई तो पंजाब के अंदर वो आ गई, नहीं तो बाद में तो मुस्लिम लीग का बेड़े गर्क था ना, उन्होंने वो कैंपेन की ना, स्टूडेंट्स को एक्टिव किया ना, औरतों को एक्टिव किया, कुछ भी नहीं किया ना क्या। और जिनाह साहब के खिलाफ भी लोग बहुत ज्यादा थे क्योंकि वो जिनाह साहब की पर्सनैलिटी इस तरह की थी, गांधी की लोकल क्योंकि वो धोती पहनना और लोकलाइजेशन ऑफ जो लीडरशिप है उसकी वो ज्यादा आवाम के अंदर स्ट्रेक्स थे। जिनाह साहब जो थे वो चूंकि वकील होने के साथ साथ एक पार्टी के हेड थे, वेस्टर्न स्टाइल था उनका लाइफ स्टाइल, तो लोग थोड़ा सा उनसे। उसके बाद जब ये हारे हैं मुस्लिम लीग तब मुसलमानों को अपनी पता चली है वैल्यू का कि यार हमारे साथ तो ये ज्यादती कर रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस ने जो बाद में ज्यादतियाँ की हैं जो इन्होंने एजुकेशनल वर्धा स्कीम दी और बाद में डिफरेंट स्कीम दे की और मुसलमानों से ज्यादती करके और ये सारा कुछ हुआ। फिर इसके नतीजे में 3 रिपोर्ट्स हैं, पीरपुर रिपोर्ट, मौलवी के फजल हक रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, उसके बाद फिर 39 की जो ये जो इन्होंने इस्तीफे दिए कांग्रेस मिनिस्ट्री से, 39 सितंबर में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई क्योंकि उधर हिटलर आ गया हुआ था, साथ ही डंडा डंडा शुरू कर दिया था नाजी जर्मनी और उससे पहले इटली के अंदर नाजीज्म, और फिर फासिस्ट हिटलर आ गया और उसने वर्ल्ड वॉर टू शुरू की और पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया और यूं ब्रिटिशर्स फिर एक वॉर में एंगेज हो गए। 40 की रेजोल्यूशन पढ़ेंगे तरीके वॉर रेजोल्यूशन, और फिर उसके बाद 40 की के बाद लाहौर क्विट इंडिया मूवमेंट है, 42 की गांधी ने शुरू की, जिन्होंने कहा फर्स्ट डिवाइड एंड देन क्विट। उसके बाद फिर 43 44 में वो जो ये 44 की गांधी जी ना टॉक्स हो गई वो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर 45 की
शिमला कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद वाले इलेक्शंस हो गए, और क्या कहते हैं क्रिप्स मिशन, और ये सारा डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर बाउंड्री कमीशन है, उसके बाद फिर पार्टीशन है, और ये सारा कुछ। उससे पहले ये इंटरनेशनल कौन सी चीज दी गई, फिर पार्टीशन हुई, कैसे हुई। तो ये इट्स अ लॉन्ग जर्नी, यानी कि ये सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स की प्री पार्टीशन है। पोस्ट पार्टीशन अभी शुरू नहीं हुई। पोस्ट पार्टीशन में हम जाएंगे, और पोस्ट पार्टीशन में हमने डिटेल में डिस्कस करनी है दो हिस्ट्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम 1935 का इंडिया एक्ट, 47 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, 49 की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे। 49 की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे, फिर 52 और ये वो 54 की जो बेसिक डेमोक्रेटिक बेसिक प्रिंसिपल कमिटीज थी उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 56, 62, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, और तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिक थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के जो है हमारा उसके आर्टिकल्स मोटे मोटे, और उनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या थे वो सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा, और उसकी सारी अमेंडमेंट्स भी पढ़ा दूंगा। 26 की 26 1973 के एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री हम शुरू करेंगे यार लियाकत अली खान के टेन्योर से, और चारों गवर्नर जनरल और सात पहले प्राइम मिनिस्टर्स, चारों ख्वाजा नाजमुद्दीन, यानी कि दूसरे गवर्नर जनरल और दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी वही, फिर तीसरा जो गवर्नर जनरल था वो मलिक गुलाम मोहम्मद, और चौथा था ये फौजी था यार ख्वाजा सिकंदर मिर्जा। इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पहला लियाकत अली खान, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक साल की हिस्ट्री के, 47 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, 49 में क्या हुआ, 50 में क्या हुआ, 51 में क्या हुआ, 52 में क्या हुआ। तो वो 51 16 अक्टूबर को उसको मार, लियाकत अली खान को पिंडी में। उसके बाद नाजमुद्दीन बना, फिर ख्वाजा नाजमुद्दीन के बाद मोहम्मद अली बुगरा आया, फिर चौधरी मोहम्मद अली आया, फिर उसके के बाद जो है वो क्या कहते हैं यार उसका क्या नाम है, हुसैन शहीद सुहरावर्दी के बाद इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर है, उसके बाद मलिक फिरोज खान नून है। तो ये सात पहले प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद मार्शल लग जाता है, सिकंदर मिर्जा लगाता है, फिर उसको भगाता है अयूब खान। अयूब खान का टेन्योर 58 27 अक्टूबर से शुरू होके 1969 तक जाता है। लियाकत अली खान के बाद और इस अयूब खान के बाद जो है ये क्या नाम है इसका यार, ये याया खान, और याया खान के बाद भुट्टो, भुट्टो के बाद जिया, जिया के बाद बेनजीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनजीर, फिर नवाज शरीफ, फिर मुशर्रफ, फिर जरदारी, और ये सारा चलता रहता है, गिलानी, और फिर नवाज शरीफ, फिर दोबारा इमरान खान, बीच में शाहिद खाकान अब्बासी और परवेज अशरफ आ जाते हैं। तो ये इनकी हिस्ट्री पढ़ा के 2024 तक मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। फिर आ जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ में बहुत सारे हैं, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। सीपैक है, नोबेल प्राइज़ है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। अगर इंटरनेशनल में यूएन पढ़ा रहा हूँ तो यूएन के ऊपर एक लेक्चर पूरा चाहिए आपको, यूएन यूएन सिर्फ यूएन को पढ़ाने के लिए, उसके 6 के 6 ऑर्गन्स, उसकी सारी एजेंसीज, बाकी सारी फंक्शनिंग और बाकी सारा कुछ। तो इस तरह से उनकी हिस्ट्री अच्छा। उसके बाद इस तरह से IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया ये मॉनेटरी के, और उसके बाद ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। अच्छा लाइक वाइज उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे, और उसमें हम फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, फेमस बुक्स हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल डेज हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज़ हो गया, ये कश्मीर इशू हो गया, और इकॉनमी हो गई पाकिस्तान की। इकॉनमी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आपको ब्लू ग्रीन वाइट इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी क्या होती है, इकॉनमी क्या होती है, इकॉनमी के कंपोनेंट्स क्या हैं, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या है, और परचेजिंग पावर पर क्या है, कंज्यूमर प्राइस, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है ये मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, उसके बाद आपका सर्कुलर डेट होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है, बजट कैसे बनता है, बजट की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू,
कहाँ कहाँ से हमारे पास आते होते हैं, मेन सोर्स टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, टैक्स कलेक्शन में हम कहाँ पे खड़े हैं, टैक्स नेट क्यों कम है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, हमारे मेजर इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, IMF के साथ जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो क्या हैं, वो किस तरह हमारी इकॉनमी को हॉल्ट करते हैं, नेशनलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन किन इदारों की होनी चाहिए, किन इदारों की नहीं होनी चाहिए, इश्यूज़ क्या हैं हमारी इकॉनमी के, ये पूरा इकोनॉमिक लेक्चर है। इकॉनमी के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर मैं आपको दूंगा सिर्फ इकॉनमी के ऊपर। तो इसी तरह से करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में रेशियो प्रोपोर्शन है, बल्कि पहले शुरू में मैथ्स में बोर्ड मैथ्स रूल से मैं शुरू कराऊंगा, और ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मैथ्स रूल ये पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा बायनोमियल पॉलिनोमियल इक्वेशंस के ऊपर, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा अर्थमेटिक सीरीज के ऊपर, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा डायरेक्शन के क्वेश्चन के ऊपर, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा परसेंटेज के क्वेश्चन के ऊपर, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा उसके ऊपर रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर, फिर वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हो गए आपके, स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी है वो हो गए आपके, एवरेज के क्वेश्चन हैं, मॉड मीडियन मीन के क्वेश्चन हैं, तो ये आपके मैथ्स इस तरह से, कैलेंडर प्रॉब्लम्स भी इसमें शामिल है। अच्छा, उसके बाद अगला चीज़ है करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में यार चार चीज़ें हैं मेन, देखिए एवरीडे साइंस जीके की जान है, कोई शक वाली बात नहीं है। मेरा स्टाइल एवरीडे साइंस को पढ़ाने का इज इंटायरली डिफरेंट। हाउ? मैं आपको सबसे पहले पढ़ाता होता हूँ एवरीडे साइंस के चार पोर्शन है, एक है आपका बायोलॉजिकल, एक है इन्वायरमेंटल, एक है आपका केमिकल और एक है फिजिकल। जो आपका है ना बायोलॉजिकल साइंस सबसे तगड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट भाई है। बायोलॉजिकल में आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सारी आ जाती है, यानी कि बहुत डेप्थ में तो नहीं जिस तरह वो डॉक्टर्स पढ़ाते हैं, लेकिन हम जो पेपर में जिस हद तक आता है हम उतनी हद तक डिटेल में डिस्कस करते होते हैं। लेट सपोज ये हमारा नर्वस सिस्टम है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम है हम डिस्कस करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी है, रिप्रोडक्टिव है, लिम्फेटिक है, इम्यून सिस्टम है, ये जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं सारे के सारे हम, एक्सक्रेटरी है, सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। मैं पूरी पिक्चर बनाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व हैं, हम किस किस तरह से सांस ये एंड तक ये सारा, फिर ऊपर कैसे आती है ऑक्सीजन, ये वो O2 का क्या है, CO2 क्या है, और ये सारा कुछ आपको बताऊंगा। बढ़ा रहा हूँ वो नर्वस सिस्टम, तो उसमें पूरा ब्रेन में डिस्कस करूँगा, तीनों पार्ट्स, मिड, हिंड और फोर ब्रेन। मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर पढ़ा रहा हूँ, तो कार्डियोवैस्कुलर में पूरा हार्ट हम डिस्कस करेंगे, सप्लाई कैसे आती है, चैम्बर्स डिस्कस करेंगे, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, आर्टरीज क्या हैं, ब्लड के ऊपर ब्लड है तो रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लाज्मा क्या होता है, इनकी क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपका बहुत और भी हैं सिस्टम्स, ये सारे हम पढ़ेंगे ना, ये आपका ये पूरी ये नर्वस सिस्टम है ना आपकी पूरी, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है भी शामिल होती है, तो ये सारा कुछ इस तरह से आपका इसमें, फिर वो है विटामिन्स आ जाते हैं, ए वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, डी B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, तो ये विटामिन्स हो गए, उसके बाद डिजीज हो गई और इक्विपमेंट्स हो गए, और उसके बाद हो गई फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस में देखने की इस है, आंखों को पढ़ेंगे हम, आईज को पढ़ेंगे, एयर्स को पढ़ेंगे, नोज को पढ़ेंगे, स्किन को पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे हमसे, जुबान को भी, टंग चखने की, तो ये सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये आपका एक पोर्शन कंप्लीट होगा। इट विल टेक 5 6 7 लाइक सिर्फ एक बायोलॉजिकल पोर्शन जो है, उसके बाद फिर हम इन्वायरमेंटल की तरफ आएंगे, पूरा इन्वायरमेंट एक एक लेक्चर उसके ऊपर चाहिए पूरी, मैं आपको बताऊंगा ये लेयर्स हमारी अर्थ की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, अर्थ क्रस्ट, कोर, मेंटल क्रस्ट, ठीक है ना, उसके बाद इसकी सारी फॉर्मेशन हो गई, गैसेज हो गई इसमें सारी की सारी, सन हो गया इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद आ जाती है आपकी फिजिकल साइंस में पूरी यूनिवर्स आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी आपकी आ जाती है, वो एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको, सन मून अर्थ तीन चीज़ें,
हमारा पूरा सोलर सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊँ, सारे के सारे स्टार्स, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, ये सारा कुछ पढ़ा के ना, अच्छा उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं प्लैनेट्स, ये मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा। और उसके बाद आपके हो गए प्लैनेट्स के बाद आपके स्टार्स को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये नहीं होते यार शाब साकिब जो गिरते होते हैं, वो क्या बोलते हैं यार, मेरे जहन से निकल गया, शूटिंग स्टार्स, मीटियोरेट और मीटियोराइट्स, ऑस्ट्रा और कहते हैं ऑस्टियोराइट्स, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, ये क्या क्या होते हैं। अच्छा उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा केमिकल साइंस, केमिस्ट्री है हमारी, एटम से शुरू करेंगे, मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स, बॉन्ड्स, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। केमिकल इक्वेशंस हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, यानी कि केमिस्ट्री भी बहुत डिटेल में। फिजिक्स है तो इसी तरीके से स्केलर वेक्टर से शुरू करके, वेक्टर से शुरू करके फिजिक्स की डेफिनेशंस क्या हैं, फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उसमें वर्क है इन, वो क्या होता है एनर्जी, जाउल, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है जी, ये सारी की सारी। उसके बाद आपकी एनर्जी है तो एनर्जी की टाइप्स बहुत सारी हैं, तो यानी कि फिजिक्स में ना हमने मैक्सिमम चीज़ें पढ़नी है जितनी हमसे हो सकेंगे, ठीक है। इवन हम उसमें मैं आपको सर्किट्स तक भी पढ़ा दूंगा, और सर्किट्स में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भी हम डिस्कस कर लेंगे, और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये भी हो गए आपके इस तरह से सेमीकंडक्टर्स वगैरह, ये भी इतनी हद तक मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स को, ठीक है जी। इसी तरह से आपका फोर्सेस हैं फिजिक्स के अंदर, वो सारी फोर्सेस की टाइप्स वो मैं सारी की सारी पढ़ाऊंगा, एनर्जीज की टाइप्स हैं वो भी सारी की सारी पढ़ाऊंगा। फिजिक्स आपकी एंड हो जाएगी इस तरीके से, ईडीएस आपकी एंड हो गई। उसके बाद आती है इंग्लिश, इंग्लिश में मैं अब जो चीज़ें पढ़ाता हूँ तो अभी मैंने पढ़ाई है इंग्लिश, बड़ी डिटेल में पढ़ाई है पिछले बैच को आपके। इंग्लिश में यार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना मेन चीज, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है जी। और ये कंजेक्टिव, ये सारे कंजक्शंस वगैरह, ये सारे के सारे पढ़ाता होता हूँ मैं आपको, तो ये सारे पढ़ा के डिटेल के अंदर फिर उसके बाद मैं जाता हूँ टेंसेस के ऊपर। 12 के 12 टेंस डिस्कस कर लिए, वो सारे डिटेल में पढ़ा के उसके बाद फिर मैं जाता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। सब्जेक्ट और वर्ब और एग्रीमेंट के चार, तीन चार लेक्चर्स होते हैं हमारे, 4-5 लेक्चर्स होते हैं। फिर इसी तरह से आर्टिकल्स उसके अंदर आ जाते हैं, ए, एन और दी, इनका यूज, ये पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हम यूज करते होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाता होता हूँ। उस पर भी एक लेक्चर चाहिए होता है, अंग्रेजी की बड़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो पढ़ा के उसके बाद फिर सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, नॉर्मली आप खुद भी कर लेते होते हैं, लेकिन अच्छा उसमें ना प्रेपोजिशन बड़ा मेन रोल प्ले करती है। कुछ मैं आपको खुद पढ़ा दूंगा, कुछ आपने खुद करने होते हैं प्रेपोजिशन, मेनली मैं ही पढ़ा देता होता हूँ सारी की सारी। टाइम की क्या है, प्लेस की क्या है, मैनर्स की क्या है, प्रेपोजिशन यही होती है ना। तो बाकी प्रेपोजिशन काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं आपको कुछ 80% मैं आपको बता दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। इसी तरह से आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट प्रोडक्टिव पैसिव, ये सारा पढ़ के चैप्टर क्लोज, ये आपके इंग्लिश हो गई। अच्छा उसके बाद फिर मैं आपको आ जाऊंगा कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर में या इस्लामियात, लेट्स सपोज इस्लामियात है, मैं इनको बाद में डिस्कस करता हूँ। इस्लामियात है तो यार इस्लामियात में ना मैं आपको डीपली पढ़ाता होता हूँ प्रॉफिट्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करेंगे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 26 प्रॉफिट्स कुरान पाक में मेंशन है, 26 के 26 को मैं डिटेल में करवाऊंगा आपको प्रॉफिट्स में, कि प्रॉफिट्स पर क्या क्या आता होता है। फिर आप सल्लम की लाइफ है पूरी की पूरी, पैदाइश से लेकर आपकी जो है वो विसाल तक, उसमें आपकी नबूवत के इवेंट्स हैं, हिजरी के इवेंट्स हैं, बचपन के इवेंट्स हैं, लाइफ के वो सारे के सारे, तमाम गजवात हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, वो सारे के सारे पढ़ाऊंगा। 12 गजवात कुरान पाक में मेंशन है, वैसे 27 गजवात हैं टोटल, तो 12 के 12 मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। गजवा अहद बहुत मैं पढ़ा रहा हूँ, गजवा तबू पढ़ा रहा हूँ, या गजवा बदर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको उसकी पूरा स्केच बना के समझाऊंगा डिटेल में। ऐसे नहीं कि भाई फिलहाल हिजरी को हुआ और बस, नो, ऐसे मैं नहीं पढ़ाता होता, उसमें सारे एक्टर्स पढ़ाता होता हूँ, इस तरफ कौन थे, एनिमी कौन थे, मुसलमानों ने कौन कौन थे, कौन कौन लड़े, कैसे कैसे हुई, कितनी कितनी कैजुअलिटीज हुई, क्या क्या हुआ, सारा कुछ
उसके इम्पैक्ट्स क्या थे, वो हुई क्यों, तो ये वॉर्स। उसके बाद आपकी गजवात के बाद जो है वो आपकी जो जो खुलफाए राजतीन है वो आपके हो गए। ठीक है जी, तो खुलफाए राजतीन में सबसे पहले हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उनको पढ़ेंगे, फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हजरत उस्मान गनी और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कवर इनकी पूरी लाइफ को, यानी कि अहाता करेंगे, कोशिश करेंगे कि अहाता तो हम नहीं कर सकते, मतलब ये है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन हम मेन मेन चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। इनकी वॉर्स, उन्होंने जंगें लड़ी, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी बहुत सारी, तीन हमारे खुलफा राजदीन शहीद कर दिए गए बड़ी बेदर्दी के साथ। तो उसके बाद फिर उमैया डायनेस्टी की तरफ आ जाते हैं। उमैया डायनेस्टी ने किस तरीके से हजरत इमाम सारे उनकी एक एक रूलर को मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें वाकया करबला आ जाता है। वाकया करबला मेरी कुछ होती है, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं नहीं बताता। हमारी कुछ सेक्ट्स होते हैं इन्वॉल्व उसमें, दूसरी बात यह कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बड़ा बेदर्दनाक वाकया है इस्लामिक हिस्ट्री का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अब्बासी डायनेस्टी। अब्बासी डायनेस्टी यार 750 से शुरू होती है, इन्होंने उमैयाद के साथ, मतलब अब्बासियों ने और मैया की आपस में शदीद तरीन लड़ाई थी, पढ़ाऊंगा आपको। और उसके बाद आप किताबें खोल के पढ़ लेना, आपको पता चले कि हिस्ट्री हमारी है क्या। और उसके बाद फिर उमैया अब्बासी अब्बासियों के बाद आते हैं आता है उसके बाद फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अहदीस के क्वेश्चंस को। अदल वेट कर लें फिलहाल, हदीस के क्वेश्चंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद कुरान के क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, ये व्यू माय प्रोफाइल, अच्छा उसको हम डिस्कस करेंगे, कुरान पाक के एमसीक्यूज को, के कुरान पाक से कितने, मतलब सपोज कुरान पाक में पूछ लेता आपसे फिलां जानवर का या फिलां चीज का कितनी दफा जिक्र हुआ है, कुरान पाक में कौन कौन से नाम आए, कौन से शहरों के नाम आए, कौन सी सूरत किसके नाम से शुरू होती है, ये सारा कुछ इस तरह से ना काफी सारे एमसीक्यूज हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिक्का के क्वेश्चन हैं, हदीस के हैं, पिलर्स ऑफ इस्लाम है, नमाज रोज़ा कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, हज ज़कात है, और बेसिक फेथ के क्वेश्चन हो गए और इस्लामियात हमारी। उसके अलावा हमारे कुछ प्रॉफिट शुरू शुरू में हमने पढ़ लेने हैं, उसके बाद हमारे पास जाएंगे सहाबा कराम, तो सहाबा कराम रज़िला हो उनको भी हम पढ़ लेंगे। और इसमें ज़्यादा जो हमारा कोर फोकस होगा वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमारे आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं, तो उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस्लामियात हमारे 10-12 लेक्चर ले जाएगी। उसके बाद आता है उर्दू। उर्दू में जो मेन चीज़ है वो ग्रामर, उर्दू का तरफ, उर्दू है क्या चीज़, बनी कैसे, आई कैसे, वजूद कैसे हुआ उर्दू का, उससे पहले कौन सी जुबानें थीं और कौन कौन जुबानों का मिक्स, जो मुसन्निफ़ हैं, जो आप कह लें कि मुसन्निफ़ का मतलब ये होता है कि ऑथर्स, वो उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी, कौन कौन सी फेमस किताबें हैं, और ये सारा कुछ। इसी तरह से आपको उर्दू के अंदर ग्रामर है, सर्फ और नहव, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सर्फ के अंदर हम क्या पढ़ते होते हैं, कलमा और कलाम, फिर उनकी टाइप्स, फिर हरफ हरूफ, फिर हरूफ की टाइप्स, अरफ जार अरफ है, तो पता नहीं यहाँ से शुरू हो के वो कहाँ तक जाता है मामला। इस तरह से नहव नहव का मीनिंग है, ठीक, के अंदर फिर डिफरेंट जाती हैं, उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करें, यानी कि उर्दू की जमीर, इसमें नकरा, इसमें मारफा, ठीक है ना, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और मुशब्बा मुशब्बा बही, और क्या कहते हैं, तो उसके बाद आपका ये जो लकब है, खिताब है, और कुनियत है, तखल्लुस है, ये भी हम सारा कुछ पढ़ेंगे डिटेल के अंदर ना, यानी कि ये बहुत लेंथी है, कहने का मतलब ये उर्दू की जो ग्रामर डिटेल में डिस्कस होगी। फिर उर्दू के मुहावरे हैं, इडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, जो जो मुझे याद होंगे मैं बताता जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद उर्दू की गलत दुरुस्त जुमले हैं, गलत और दुरुस्त जुमले उनकी जो पेपर में पूछ लेता होता है वो आपको डिस्कस कर लेंगे। उर्दू की किताबें, उनके मुसन्निफ, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से हिसाब के लाके भी होंगे, वो डिस्कस करके क्लोज। कंप्यूटर है आखिरी, हमारा टॉपिक कंप्यूटर पहुँच जाता है।
कंप्यूटर यार बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा। एग्जाम वेबसाइट से कर लेंगे तो अच्छा है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें कंप्यूटर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हो गई, कंप्यूटर की टाइप्स, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को होगा। मैं खुद इंजीनियर हूँ और मेरा ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ज़िंदगी का कंप्यूटर के साथ ही गुजरा है, FSC के बाद कह लें, और अभी तक भी कंप्यूटर से ही वास्ता पड़ता होता है रोज़ के बेसिस पे। तो इसके बाद इसमें ना कंप्यूटर के जो सिस्टम्स हैं, उसके अलावा इसमें आपका जो डॉस है या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं बहुत सारे, वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी लैंग्वेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, आजकल कौन सी हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर MS Word है, MS Excel है सॉफ्टवेयर, ये हम इनको डिस्कस करेंगे, पावर पॉइंट है, इनके MCQs, शॉर्टकट्स हैं कंप्यूटर के बहुत सारे, कीबोर्ड वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो मेमोरी वगैरह हो गई और प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, अच्छा उसके बाद इंटरनेट और मॉडेम वगैरह हो गया, तो ये सारा कुछ हम कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। और दिस इज ऑल अबाउट माय GK सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क प्लीज। नोट्स यार, मैं नोट्स ना मेरी वही जो पढ़ाता हो तो मेरे वही नोट्स होते होते हैं, मैं कोई नोट्स बाहर वाले नहीं देता, थोड़े बहुत दे दिए तो दे दिए जो पढ़े होंगे पिछले, अदरवाइज नोट्स आपने खुद बनाने होते हैं। मेरी बात सुने, जो स्टूडेंट मुझसे नोट्स मांगेगा ना, मैं उसको कहूंगा वो अपना दुश्मन आप है। कभी हमें तो आज तक किसी के नोट्स पढ़ के चीजें समझ नहीं आई यार, लेक्चर लेते थे नोट करते थे, वही लेक्चर लेके नोट करना वही लेक्चर बन जाता था। अंडरस्टैंडिंग भी है, क्लैरिटी भी है, रेगुलर भी आओ, रेगुलर आओगे तो पास होगे, पास होने की गारंटी मैं दूंगा, पढ़ने की गारंटी आप मुझे दो, 6 महीने मुझे दे दो आप, 3 महीने मेरे सेशन के, 3 महीने आप एक्स्ट्रा लगा लो, कोई दुनिया का पेपर GK का आप उठा के फिर आप देख लो, कोई फेल होता है तो आके मुझे पकड़ लेना, लेकिन शर्त यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं देता होता मैं, ऑल इनकम्पासिंग होगी GK की तैयारी, ऑल इनकम्पासिंग का मतलब ये है कि थैंक यू, ऑल इनकम्पासिंग का मतलब ये है कि आपको तमाम जितने भी आपके टेस्ट हैं, PPSC FPSC के हर तरह के टेस्ट में मेरी जो GK है वो आपको इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। क्रूसेड्स भी पढ़ेंगे, सलाउद्दीन अयूबी को भी डिस्कस करेंगे भाई, SNJD, वही SNJD में भी तो यही कुछ होना है, असिस्टेंट SNJD में। असिस्टेंट का काम क्या होता है पता है आपको, हमारे नीचे होते हैं ना असिस्टेंट, हमें तो पता होता है, एक सेक्शन अफसर के नीचे असिस्टेंट होता है, उसके नीचे सीनियर क्लर्क होता है, उसके नीचे जूनियर क्लर्क होता है, या आप कह लें सेक्शन अफसर के नीचे एक सुपरिटेंडेंट होता है, सुपरिटेंडेंट से नीचे जो है वो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट से नीचे आपका सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क हो गए, और उसके नीचे फिर आपके ये हायरार्की चलती रहती है, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह और ये वो। हाँ, CSS PMS के लिए भी कर दूंगा गाइड अलग से सेशन, हाँ, क्लियर हो जाएगा PMS का, MPT भी क्लियर हो जाएगा आपका, FPSC के हो जाएंगे, असिस्टेंट SNJD सब। यार मैं पता इतनी डिटेल में हूँ कि आपको हर लेक्चर, आपका हर टॉपिक यहाँ से क्लियर क्लियर हो जाएगा। अच्छा हेयर स्टाइल, यार मैं आई डोंट केयर अबाउट हेयर स्टाइल यार, छोड़ो इस बात को, क्या करना है हेयर स्टाइल को, हाँ कभी कभार होता है कि रिकॉर्डिंग दे देते होते हैं, रोज की रूटीन पे तो नहीं देते होते ना, कोशिश करें यार, मेहनत करें, मेहनत का कोई निमल बदल नहीं, नहीं तो सारी जिंदगी रिश्तेदारों के आपने ताने सुनने हैं, धक्के खाने हैं, तो बजाय उनके रिश्तेदारों के ताने सुनने के आप खुद इतने कैपेबल हो जाएं कि आप कुछ कर बैठे हैं, कुछ कर लें।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, मेरी टीम आपके लिए हाजिर है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कहाँ से होगी?